उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 13वां भाग, लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। रात के 8 बजने वाले थे। बलवंत इस समय तक तो शोरूम बंद कर देता है, पर आज रामचरण दुबे आने वाले थे। राजनगर में इनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है। रामचरण दुबे राजनगर के कई रईसों में से एक हैं। साक्षी शोरूम में बैठी हुई ग्राहकों को संभाल रही थी। ग्राहक सामान लेकर जा चुके थे, तभी बलवंत आया। सुनो साक्षी, तुम जानती हो अपने शोरूम का बहुत बुरा हाल चल रहा है। राजनगर के सबसे बड़े धनी रामचरण दुबे जी आने वाले हैं, क्योंकि पापा के वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटी की शादी है, उन्हें कम से कम 1 करोड़ के गहने चाहिए। उन्हें सबसे अच्छे वाले गहने दिखाना, वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाने चाहिए। मेरे भाई, साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बलवंत शरारत से बोला, मुझे पता है कि मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो गई है। तभी रामचरण दुबे आ गए, जिनके पहनावे से ही रईसी साफ झलक रही थी। वो राजनगर के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में से एक हैं। गले में एक मोटी सोने की चेन, जिस्म पर कीमती कपड़े, उंगलियों में हीरे की रिंग जो अलग ही चमक मार रही थी। उनके साथ उनकी लड़की सुलोचना भी थी, जो इस समय काफी कीमती कपड़े पहने हुए थी। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। सुलोचना इस समय काफी सुंदर दिख रही थी। रामचरण दुबे ने साक्षी से कहा, बेटी हमें अपने शोरूम के बढ़िया से बढ़िया गहने दिखाओ। अंकल जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। साक्षी ग्राहकों को अच्छे तरीके से हैंडल करती थी। यह सब उसके पापा अशोक नंदा ने सिखाया था कि कैसे ग्राहकों से बात करते हैं, ताकि उनको ज्यादा सोचने समझने का समय न मिल पाए, किस तरह उन्हें पुराने से पुराने डिजाइन वाले गहने भी नए लगें। साक्षी ने एक से एक कीमती व अलग अलग डिजाइन के गहने दिखाए। बलवंत ने कॉफी मंगवाई। सुलोचना जी इतने गहने देख रही हैं? बलवंत चापलूसी करते हुए बोला, आप आराम से कॉफी का आनंद लीजिए। सुलोचना ने काफी गहने पसंद किए। लगभग 2 घंटे बाद अपनी पसंद के गहने लिए। लगभग 1 करोड़ 10 लाख के सारे गहने थे। पैसे देने के बाद वो जा चुके थे। बलवंत रामचरण दुबे जी के जाने के बाद साक्षी से बोला, आज काफी दिनों बाद इतनी कमाई हुई है। जब से पापा की मृत्यु हुई है और रॉकी को पापा के खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, सारे शहर में अपनी इज्जत कम हो गई है। हर कोई कहता है कि पैसों के चक्कर में रॉकी ने अपने देवता जैसे पिता का खून कर दिया। बलवंत की आंखों में आंसू थे। पापा के जाने का दर्द क्या हमारे लिए कम है, जो उनके खून के इल्जाम में रॉकी को गिरफ्तार किया गया। ये दाग दामन पर ऐसा लगा जिसे धो पाना नामुमकिन है। तुम्हारे उस जासूस ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे केस आगे बढ़ा हो, बस दर बदर भटक रहा है। साक्षी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस जासूस को पापा का केस सौंप कर। इससे अच्छा तुम किसी जाने माने जासूस को हायर करती तो रॉकी आज उन सलाखों के पीछे नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो भाई, देखते हैं मिस्टर जयदेव पता नहीं कब तक कातिल को पकड़ पाएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जयदेव को रॉकी का केस सौंपकर। बलवंत के चेहरे पर निराशा छा गई थी। अब हमारे घर की इज्जत जयदेव के हाथ में है, पता नहीं क्या होगा। रात के 9 बज रहे थे। श्याम सिसोदिया अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस समय उसके हाथ में सिगार था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ जान पड़ रहा था। सिसोदिया का कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। सिसोदिया का एक लड़का आनंद, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, 2-1 साल में कभी भारत आ जाता था। सिसोदिया की पत्नी मानवी, जो ज्यादातर अपने मायके में रहती थी, क्योंकि अभी हाल ही में मानवी के पिता की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, जिसके कारण मानवी के पिता को कारोबार में काफी नुकसान हुआ। मानवी का भाई कारोबार का भार ज्यादा ना उठा सका, फिर मानवी ने अपने पिता का कारोबार संभाला। शादी से पहले मानवी अपने पिता के साथ उनका कारोबार संभालती थी। सिसोदिया ने भी मानवी का कोई विरोध नहीं किया। यही कारण था कि मानवी काफी समय से अपने मायके में थी। सिसोदिया अभी पुरानी यादों को याद कर रहा था कि टेबल पर रखा टेलीफोन बज उठा। सिसोदिया ने टेलीफोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा कमरे में भेज दो। 2 मिनट बाद कमरे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। बैठिए जयदेव जी, सिसोदिया बड़े आदर से बोला।
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस कुछ सवाल दिमाग में घूम रहे हैं जिसके जवाब शायद आपके पास मिल जाएं। अगर मुझे पता होगा तो जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जयदेव ने सीधा सवाल किया, आपको क्या लगता है अशोक नंदा ने अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम क्यों कर गए, जबकि अशोक नंदा की 4 संतान है? वसीयत उनके बराबर बंटनी चाहिए थी, ना कि किसी एक के नाम करनी चाहिए थी। अभी तक मैंने जितने भी ऐसे केस देखे हैं जिनमें पिता के मरने के बाद सारी वसीयत बच्चों में बांट दी जाती है, वैसे तो पति के मरने के बाद सारी वसीयत कानून के मुताबिक पत्नी के नाम होती है, पर कुछ लोग अपनी वसीयत अपनी इच्छा से अपने बच्चों में बराबर बांट देते हैं। पर सारी की सारी वसीयत अशोक जी ने रॉकी के नाम कर दी, इस बात ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या अशोक नंदा जी किसी दबाव में थे, या किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया फिर अशोक जी का खून हो गया? जहां तक मुझे जानकारियां मिली हैं वो ये कि अशोक नंदा ने जब अपनी पहली वसीयत बनवाई थी तो उसमें सभी बच्चों का बराबर का हिस्सा था, फिर अचानक एकदम से अशोक नंदा जी ने अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम क्यों कर दी? वैसे आप ठीक कह रहे हैं, बात तो खटकने वाली है। अशोक नंदा अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर गए? ऐसा नहीं है कि अशोक अपने बाकी बच्चों से प्यार नहीं करता था, वो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब वसीयत बनाई जा रही थी तो हम सबने बराबर अशोक का विरोध किया, पर लाख समझाने के बाद भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। मुझे पूरा यकीन है कि अशोक नंदा को किसी ने ब्लैकमेल किया है कि वो अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर दे। फिर दिमाग कहता है कि इसमें ब्लैकमेलर को क्या फायदा हुआ? जो दिमाग में तस्वीर बन रही है वो ये है कि ब्लैकमेलर और रॉकी का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, वरना ब्लैकमेलर को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो अशोक नंदा से कहे कि तुम अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर दो। सिसोदिया के माथे पर बल पड़ गए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह भी तो हो सकता है कि कातिल चाहता हो कि आप रॉकी पर ही शक करें और उस व्यक्ति को ढूंढे जो सामने ही नहीं है, और यह भी हो सकता है कि यह कातिल की कोई साजिश हो। जयदेव सोचने पर मजबूर हो गया। यह मेरी जिंदगी का पहला मर्डर केस है और मैं इतना उलझा हुआ हूं कि जितना मामले की गहराई में जाता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। आखिर क्यों अशोक नंदा ने अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर दी, या फिर किसी ने अशोक नंदा को ब्लैकमेल किया है? जयदेव उठता हुआ बोला, अब मुझे इजाजत दें। अरे आपने तो चाय भी नहीं ली। मुझे कोई काम है, फिर कभी चाय पी लेंगे। फिर जयदेव कमरे से बाहर निकल गया।